राजधानी दिल्ली की बीती शाम आरपीएम क्लब में एल्बम सॉन्ग मुस्कुराना तेरा की सक्सेस पार्टी रखी गई। इस पार्टी में ग्लैमर जगत के एक से बढ़कर एक नायाब सितारे मौजूद रहे। खुद फैज अनवर की मौजूदगी में मॉडल एंड एक्ट्रेस रुबेदा खान, रोजल खान, निर्माता निर्देशक गुलशन इदरीसी, टी सीरीज फेम प्लेबैक सिंगर सोनू अली सहित बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां यहां मौजूद रही। इस मौके पर प्लेबैक सिंगर सोनू अली ने अपनी गायकी से क्षमा बांधा। हो चुका है लेकिन इसका प्रमोशन पार्टी था जो आरपीएम वालों ने बुलाया था हमें, तो इसके लिए हम आए थे मुस्कुराना तेरा की प्रमोशन के लिए। सर ये है तो एक ही सॉन्ग लेकिन इसके बाद भी एक लॉन्च हुआ है मेरा साथ रहूंगा, दो एल्बम मेरे लॉन्च हुए और एवरी मंथ मेरे नए नए सॉन्ग्स आते रहेंगे। हमने सुना आपकी कुछ फिल्म भी आने वाली है। हाँ सर मेरी दो फिल्में आने वाली है एज अ लीड में, हजरतगंज और स्टेट सिंगर। सर मैं आया हूँ यहाँ पर रोजल खान का एक बहुत खूबसूरत गाना सिंगल ट्रैक रिलीज़ हुआ था मुस्कुराना तेरा, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट हो चुका है, तो उसकी एक सक्सेस पार्टी थी यहाँ पर जो आरपीएम क्लब में थी, ऑर्गेनाइज की गई थी। मेरे को इनविटेशन मिला तो मैं तुरंत आया क्योंकि मैं ये गाना ऑलरेडी पहले देख चुका था। और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें जो टीम है, इसमें जो लीड एक्ट्रेस हैं रोजल खान, हम लोगों का कनेक्शन बहुत पहले से है साथ में, तो उसके लिए मैं आया यहाँ पर उनको बेस्ट विशेस देने के लिए। और इस गाने की सबसे जो ख़ास बात है, सबसे स्पेशल बात यह है कि इस गाने को जो लिखा है वो बॉलीवुड के जो लीजेंड राइटर हैं फैज़ अनवर साहब ने लिखा है, और जिस गाने को वो लिख देते हैं तो समझिए कि वो सुपर डुपर हिट है, क्योंकि उनकी हाथों में उनके जादू है। और फिर जो उसमें कास्टिंग है, जो भी एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं, जैसे रोजल खान ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे स्पेशली बहुत दिल से खुशी होती है जब भी रोजल का कोई सिंगल ट्रैक रिलीज़ होता है, जैसे उनकी अभी दो मूवीज़ रिलीज़ होने वाली है, स्टेज सिंगर और हजरतगंज, राइट? तो बस मेरी इनके साथ हमेशा बेस्ट विशेस रहेगी और मैं इस गाने की, इस कंपनी की पूरी टीम को दिल से बधाई देना चाहूँगा। फैम स्टूडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये फैज़ अनवर साहब का चैनल है, और ऐसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप देखते रहिए। आप मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं सोनू अली के नाम से, मेरे भी काफ़ी गाने आपको टी सीरीज कंपनी से लॉन्च हुए मिल जाएंगे, और सबसे मेन सपोर्ट मेरा रोजल खान को है। हम आपको बता दें कि एक्ट्रेस रोजल खान ने सॉन्ग मुस्कुराना तेरा से डेब्यू किया है और बीती 3 फरवरी को इस सॉन्ग को रिलीज किया गया था। फेम स्टूडियो के बैनर तले बने इस गीत के बोल फैज अनवर ने लिखे हैं। यह सॉन्ग लोकप्रियता के सभी आयाम तोड़ रहा है, लगातार इसे देखने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है और दर्शकों का खूब सारा प्यार मुस्कुराना तेरा की पूरी टीम को मिल रहा है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।